जय हिंद दोस्तों, बहुत दिनों से इंडियन आर्मी के टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर के बहुत सारी आलोचनाएं चल रही थी, लेकिन अब इंडियन आर्मी की तरफ से टूर ऑफ ड्यूटी के तौर पर अग्निपथ स्कीम को सामने लाया गया है। एयर डिफेंस के आज के इस एपिसोड में अग्निपथ स्कीम को लेकर के सारी डिटेल्स एकदम आसान भाषा में हम आपको देने वाले हैं। एक्चुअली अग्निपथ स्कीम एक पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट स्कीम है, यानी कि पूरे इंडिया से कैंडिडेट्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इस साल 46,000 अग्निवीर्स को इंडियन डिफेंस में इंक्लूड किया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर्स का सर्विस पीरियड होगा 4 साल का, उसके बाद 25% अग्निवीर्स को परमानेंटली इंडियन आर्मी के सर्विस में रखा जाएगा और बाकी के अग्निवीर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। अग्निवीर स्कीम के तहत 4 साल तक उन्हें आर्मी में मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि अलाउंसेस, यूनिफॉर्म, रेशन फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। इसको ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट्स का उम्र 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में होना चाहिए। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कोई भी मेडिकल रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए जो भी मेडिकल टेस्ट होते हैं अग्निवीर स्कीम के तहत ज्वाइन करने पर भी वही मेडिकल टेस्ट आपके ऊपर किए जाएंगे, यानी कि आपको मेडिकली फिट होना है तभी आप इंडियन आर्मी के अग्निपथ स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियली अग्निवीर की सैलरी को भी बताया गया है, पहले साल हर एक अग्निवीर को 4.76 लाख रुपीज ईयरली दिया जाएगा और चौथे साल होते होते यही ईयरली पैकेज अपग्रेड होकर 6.92 लाख तक हो सकता है। इसके अलावा भी 48 लाख रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस भी इन्हें दिया जाएगा, अगर वो शहीद होते हैं या फिर परमानेंटली डिसेबल होते हैं तो ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आने वाले फ्यूचर में अग्निवीर से जो भी सोल्जर्स बाहर निकलेंगे उनके लिए सरकार बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लेकर के बैठे हुए हैं, जैसे कि वो CAPF फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें उनको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। इसके अलावा भी देश के प्राइवेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर भी उनको अलग तरह का दर्जा दिया जाएगा। कोई भी अग्निवीर अगर बिजनेस करना चाहता है तो उनके लिए लोन का जो सुविधा है वो बैंक की तरफ से आसानी से उनको मिल जाएगा। इसके अलावा भी उन्हें अग्निवीर सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला है। टूर ऑफ ड्यूटी को इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस करने का सरकार का मेन मोटिव ये है कि इंडियन आर्मी को और ज्यादा यंग बनाया जाए। आज इंडियन आर्मी में एक सोल्जर का एवरेज एज है 31 ईयर्स। सरकार का ये मोटिव है कि इसी एवरेज एज को कम करके 24 से 26 साल तक लाया जाए। इस टूर ऑफ ड्यूटी या फिर अग्निपथ स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे पाने के लिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।